तो ये लोग एकदम से आके हमारे ऊपर लाठी डंडों से प्रहार कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कौन अंदर कब आया क्या आया, हमें मौका ही नहीं मिला। नमस्कार साथियों, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह ने के। आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि वकीलों के साथ मारपीट हो रही है, और क्या है ये पूरा मामला आज जानेंगे। जिनके साथ मारपीट हुई है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उस पूरे प्रकरण के बारे में जानेंगे। क्या हुआ, आपका नाम है जी? प्रवीण रावत। प्रवीण रावत जी, क्या हुआ था ये घटना और कब की ये घटना है? ये सर 11 तारीख की घटना है। 11 तारीख को हम तीनों जने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तीनों जने कौन कौन? वीरेंद्र धने, एक अन्य साथी और जुबेर रहमान। अच्छा। हम अपने काम का जो है रूटीन काम का जो अगले डेट का निपटा रहे थे, कोर्ट का काम। ये लोग एकदम से आते हैं 4:30 के बीच में। कौन कौन आते हैं और कौन वो लोग हैं? प्रमोद कुमार बालियान, उसके दोनों लड़के जी, और हरिओम सिंह यादव, मेहर सिंह मनवाल, और इनका जो है साला सुरजीत। अच्छा। अभी तो फिलहाल 6 लोगों के नामजद रिपोर्ट हुई है, बाकी अन्य सचिन वर्मा तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं, अंकित सेमाल, अनिल नेगी, और भी सदस्य जिनके नाम भी खोलने बाकी हैं जी। तो ये लोग एकदम से आके हमारे ऊपर लाठी डंडों से प्रहार कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कौन अंदर कब आया क्या आया, हमें मौका ही नहीं मिला। वो तो शुक्र करो हम बच गए सबसे पहली बात, और बचना ही हमने, क्योंकि ऐसा है कि अगर किसी राक्षस का वध करना हो तो बचना पड़ता है। ये ऊपर वाले का भी वो है, आशीर्वाद ही है, बचा दिया है। छोड़ेंगे तब भी नहीं इसको जी। ये कितना भी जोर लगा ले। क्या रंजिशें थी इससे पहले कुछ? इससे रंजिशें ये थी कि हम पहले इसके अंडर में काम करते थे जी, इसके पास काम करते थे। तो काम करने से जो है इसका तो मानसिकता ही ऐसी है कि 10% बोल के 50% फीस लेता था। ये बात आपको कब पता चली थी? ये बात तो हमें जिस दिन पता चली हमने उस दिन से ऑफिस छोड़ दिया। अच्छा, ये कब छोड़ा था आपने? हमने दो ढाई तीन साल पहले ऑफिस छोड़ दिया। ढाई तीन साल पुराना ये जो पूरा मामला है। बिल्कुल, ढाई तीन साल छोड़ने के बाद हमने इसकी कंप्लेने, उसी की कंप्लेने, हम रुके नहीं वहाँ पे कि छोड़ दिया कि हम इसकी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, हम इसकी कंप्लेने डाल ही रहे हैं। ये हमारे पहाड़ियों के साथ या देशियों के साथ, हर आदमी के साथ कर रहा है आदमी फीस के मामले में, और अवैध प्रॉपर्टी बना रखी है देहरादून में। कांग्रेस की फंडिंग हो रही है, टिकेश साहब का पैसा लगा हुआ है थानों में। मुख्यमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं तो जांच करवाओ ना जी। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री जो है राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है, वैसे राज्यपाल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहे, अगर ये बात सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी, आप इस पर तुरंत बिल्कुल जो है बिना देर करे, बिना कैबिनेट की मीटिंग लिए हुए, कैबिनेट की मीटिंग अगले महीने भी हो सकती है, लेकिन आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और पुलिस टीम लगाएं इसमें। ये शादी के बाद इतना पैसा कहाँ से रहा? उस दिन हुआ क्या क्या था? आपने कहा कि वो ऑफिस में आए और सीधे आप पे प्रहार किया जी जी, तो क्या हुआ उस दिन? कुछ नहीं हुआ, हम तो डेली जैसे बैठते हैं अपने ऑफिस में, वैसे बैठे हुए थे, अपने काम काज निपटा के बैठे हुए थे, अपने और कामों के आगे जो है रूपरेखा बना रहे थे। ये लोग एकदम से आते हैं 4:15 के बीच में, जो कि CCTV फुटेज में आ रहे हैं लोग, हमें पता ही नहीं था इन्होंने लाठी डंडो लेके आना है। अब ये गीदड़ के बेस में आए हैं, अगर शेर के बेस में आ जाए तो बात पता चलती इनको, ये तो गीदड़ के बेस में आए। अब गीदड़ के बेस में आए तो गीदड़ के तरीके से जेल चले भी गए। तो आगे हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि एक तो इनकी फंड जो इनका पैसा है इसकी जांच हो। कोई बात नहीं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पे जो हमला हुआ है उसकी कार्रवाई का हम आगे भी सचेत हैं। अच्छा, कार्रवाई कितने लोगों पर हुआ? जितने लोगों ने हमला किया उन पर कार्रवाई, आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि वैसे कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, मेन मुजरिम आ रखा है, मेन मुजरिम जो है इनके पल्ले पड़ गया, सुद्धवाला जेल में जो है अपने दिन जो है बिता रहा है। आगे जो हरिओम सिंह यादव, मेहर सिंह मनवाल, सुरजीत सिंह, ये अभी फरार हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुकदमा दर्ज है, ये नामजद मुकदमा है। अन्य और जो साथी हैं वो सचिन वर्मा, अंकित सेमाल, अनिल नेगी और ये सन्नी यादव, हरिओम सिंह यादव का जो है भतीजा। अच्छा। हरिओम सिंह यादव ये है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखो आप, ये देखो परिचित हैं, ये है ये देखो हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई है, ये वकील है, वकील है ये। अच्छा, ये देखो इसके हाथ में पिस्टल देखो, पहले मुख्यमंत्री जी भी अगर देख रहे हो, उनका कोई स्टाफ देख रहा हो, ये देखो पहले। चलिए ये क्या है बताओ, तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी, आप एक बार जरा बता दीजिए। मुझे तो हाथ में यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, दूसरे अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है, सर पे जो है 8 टांके लगे, देख सकते हैं 8 टांके, इस तरह से जो मारपीट है और वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथों में कुछ डंडा या कुछ लिए हुए वो आप पर प्रहार कर रहे थे। हाँ, प्रहार तो सबसे पहले बालियन ने करा प्रहार जी, उसके बाद इसके लड़कों ने प्रहार करा मेरे पे, उसके बाद हरिओम सिंह यादव ने प्रहार करा, उसके बाद जो है तुम्हारा ये मेहर सिंह मनवाल ने प्रहार करा। अच्छा। प्रहार करते रहे, उसके बाद सचिन वर्मा ने जो है मेरे पे प्रहार करा, पीछे भी मारे, आगे मेरी घड़ी भी टूट गई, देखो। अच्छा, ये टाइटन की घड़ी, ये टूट रही है, सचिन वर्मा ने। अनिल नेगी ने भी प्रहार करा, सब ने ही प्रहार करा। आपके साथ और कौन थे जिनके साथ? वीरेंद्र धने जी थे, जुबेर अहमद था हमारा मित्र एक। वीरेंद्र धने जी
आपके साथ भी मारपीट हुई थी, आप भी उनके पहले से जुड़े हुए थे उनके साथ? जी जी, मैं भी पहले उनके अंडर में काम करता था, और जब हमें पता चला कि ये फीस के नाम पे ऐसे घोटाले कर रहे हैं और इन्होंने अन्य घोटाले जो कोर्ट में करे हैं, करप्शन करा है, उसके बाद हमने वहाँ से ऑफिस छोड़ दिया था। तो हमने अपना काम 3 साल पहले छोड़ दिया नहीं, ये 1.5-2 साल पहले की बात है। तो हमने वहाँ से ऑफिस छोड़ दिया, तो इसके बाद क्या हुआ सर, जब हमने अपना काम शुरू किया तो इन्होंने हम पे जिला बिजनौर के विभिन्न थानों में हमारे ऊपर फर्जी FIRें चली है, 307, 394 लूट डकैती सब इन्होंने लगा के FIR करी है। उसमें हमने सर पूरी फाइट करी है, तो हम पुलिस ने अच्छा काम करा वहाँ पे, तो उन सब में FIR लग चुकी थी, सब ख़त्म हो चुका था मामला। एक मामला ऐसा था जो हमने हाईकोर्ट से वो क्वेस्ट करवा दिया था। तो जब सर उसकी वहाँ पे कोई बल नहीं चला वहाँ पे बिजनौर में, तो इसने फिर यहाँ पे हमारे साथ ऐसी मारपीट कर दी सर, बिना किसी वजह के यहाँ पे। और इसने जब हमने क्या था सर, इनने जो घोटाला करा था उसकी जांच के लिए हमने जिला जज साहब को अप्लीकेशन लगाई थी। तो जिस दिन हमारे वहाँ बयान हुए थे उस दिन उसने हमें देख लिया था वहाँ कोर्ट में। उसके अगले दिन 11 तारीख को इसने फिर हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ लाठी डंडों से फरार करके हमें घायल कर दिया। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? आगे हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि एक तो इनको बेल ना मिले, सरकार भी इसमें हमारा समर्थन करे जी। दूसरा इसकी जो है पूरी प्रॉपर्टी की जाँच हो, देहरादून या बिजनौर की? देहरादून में। बिजनौर तो गरीब जिला है, गरीब जिले से आगे हमारे को जो है वो हम अपनी औकात दिखा रहे हैं। इसकी जाँच हो मुख्यमंत्री तुरंत रूप, मतलब इसमें जाँच करें। जितनी भी जो है जो टिकेत साहब का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रीय जो है किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, इनका पैसा हवाले के जरिए यहाँ लगा हुआ, प्रमोद कुमार बालियान वो पैसा लगाता है यहाँ पे, कांग्रेस को भी चुनाव के टाइम पे फंडिंग करता है, और मुझे तो ये लग रहा है कहीं BJP के लोग भी उसमें शामिल ना हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? आशंका जता रहे हैं, आशंका, क्योंकि जब इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है सबको पता है, मुख्यमंत्री जी को अगर पता नहीं है बात तो मेरे माध्यम से बात मैं उनको बता रहा हूँ, आप इस पर कार्रवाई करिए। साक्ष्य भी आप देने को तैयार? साक्ष्य देने को तैयार हैं, थानों की जो जितनी जमीन है उसकी बिल्कुल देखो ना, इसके कितने सर्कल रेट पे इसने लिया, ये पैसा आया कहाँ से इसके पास, इसके ऑफिसों की जाँच हो, घर की जाँच हो। अब आप चाहते हैं कि, और इसके जो इसका जो आदमी है हरिवंश सिंह यादव जो पिस्टल लेके घूम रहा है, बियर की बोतल मुंह पे लगा रही है, वो पिस्टल इसके नाम लाइसेंस है कि नहीं है, वो पिस्टल किसकी है वो पिस्टल? अच्छा। ये तो यहाँ पूरा बिल्कुल जो है पहाड़ी समाज को दबाने के लिए जो है बिल्कुल अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो मारपीट हुई और जो अन्य मुकदमे हैं उन पे उसकी जांच हो? उनकी भी जांच हो, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अगर योगी जी का कहना ठीक है, अगर किसी को तोड़ना है पहले आर्थिक रूप से तोड़ो, सबसे बड़ा इशू वही है, इसको भी तोड़ना है तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसको आर्थिक रूप से तोड़ो पहले। इसके पास प्रॉपर्टी आ कहाँ से रही इतनी? ये पैसा जो हवाला का पैसा आ रहा है, इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसकी जांच हो ना, आपका हाथ है, परिवार का मामला है, उत्तराखंड का मामला है, आप कर सकते हैं, आप सक्षम है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।